हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, कहा खुशी और मेल मिलाप के साथ मनाएं त्यौहार। ईद पर कमिश्नर, एडीजी, डीएम और एसएसपी ने दी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई, कहा भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण मनाएं त्यौहार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग अध्यात्म शिक्षण कार्यशाला का गोरखनाथ मंदिर में हुआ उद्घाटन। अलविदा हुआ रमजान माह में पढ़ने वाला आखिरी जुम्मा, नमाजियों ने पढ़ी अलविदा की नमाज, 16 को उल्लासपूर्वक मनाई जाएगी ईद। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, निर्माण कार्यों एवं नगर निगम के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 21 जून को विश्व योग दिवस पर जनपद में होंगे विविध कार्यक्रम, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ ने दी जानकारी। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मानसून के मद्देनजर शहर की साफ सफाई, नालों की साफ सफाई की व्यवस्था जांच करने के लिए 7 मंडलीय अधिकारियों को वार्डवार किया तैनात, सप्ताह में 3 बार जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। 18 और 19 जून को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली, अब 27 और 28 जून को होगी प्रवेश परीक्षा, प्रभारी चीफ प्रॉक्टर ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव 2019 का आयोजन 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन करने पर विचार, अध्यक्ष मंडलायुक्त अनिल कुमार और उपाध्यक्ष के विजयधन पांडियन ने की बैठक। वार्ड नंबर 62 में सिविल लाइन्स द्वेते में नगर निगम द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय का महापौर एवं नगर विधायक ने किया लोकार्पण, कहा खुले में शौच से मुक्त होगा देश। अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई नगर निगम कर्मचारी समन्वयन समिति का चुनाव, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य। और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने किया मांग।